स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दुनिया में अभी तक 70 देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा चाइना प्रभावित है, जहां पे मरने वालों की संख्या 2900 के पार है और प्रभावितों की संख्या 80,000 के आसपास है। और देशों की बात करें तो इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन यदि भारत की बात करें तो कल शाम तक 6 केसेज थे और पहली बार देश में दिल्ली में कोई नया केस आया था, जो कि इटली से यात्रा करके यहाँ पहुँचा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, उसे आइसोलेशन में रखा गया है। दूसरा केस दुबई से यात्रा करके लौटे शख्स का था, जो कि तेलंगाना में है। लेकिन इसी बीच खबर आई कि राजस्थान में भी जयपुर में एक टूरिस्ट में इसके पॉजिटिव पाए जाने की सूचना मिली है। तो इस तरीके से 6 केसेज हो गए। इसके पहले 3 केस जो आए थे वो केरला के आए थे और तीनों ठीक हो करके अपने घर को जा चुके हैं। लेकिन आज सुबह जैसे ही नोएडा से ये खबर आई कि एक स्कूल में 2 बच्चों में कोरोना के लक्षण मिले हैं, उसके बाद हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन आनंद फानंद में स्कूल पहुँचा। नोएडा के जो CMO है डॉक्टर अनुराग भार्गव, वो स्कूल पहुँचे और वहाँ पर कुछ बच्चों जिनमें कह सकते हैं कि लक्षण दिख रहे थे या जिनमें आशंका थी, उनमें से कुछ बच्चों के जो है वो सैंपल ले करके जांच के लिए भेजे गए। 5 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं। 2 के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें लक्षण दिखे हैं। स्कूल को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर जो भार्गव हैं उन्होंने ये भी बताया है कि जो विदेशी कंपनियां हैं या मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या और जो कंपनियां देसी भी जिनके जो एग्जीक्यूटिव्स बाहर आते जाते रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा गया है कि यदि इन 12 देशों से आप यात्रा करके आपके कर्मचारी आ रहे हैं तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें ताकि उनका परीक्षण कराया जा सके। यूँ तो 22 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑलरेडी स्कैनिंग हो रही है और वहाँ से जो स्कैनिंग करने के बाद जैसा केस लगता है वैसा वो रेफर कर दिया जाता है। बट अब जिस तरीके से दिल्ली में पहला केस आया, इसके बाद नोएडा में आने की खबर है, अब नोएडा में पुष्टि होनी बाकी है, जैसे ही सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। तो दहशत बढ़ती जा रही है और जो भारत अभी तक एक तरह से अपने को कंट्रोल किए हुए था, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने उनका बयान आज छपा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार इसके लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे घबरा करके आनंद फानंद में सबको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़ करके, क्योंकि चीन में ऐसा भी हुआ था कि मास्क की कमी पड़ गई थी। तो जब भी भय एवं दहशत फैलता है तो ऐसी चीज़ों की कमी पड़ने लगती है। तो ये जो नोएडा वाली खबर है उससे दहशत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि 1000 के आसपास यदि वहाँ कंपनियाँ हैं उनको नोटिस दिया गया है, तो स्वाभाविक रूप से बात है कि लोगों में डर एवं भय जो है बढ़ रहा है कोरोना को लेकर के। घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि बच्चे में लक्षण ऐसा मिला, जैसे कि वायरल के भी लक्षण काफ़ी हद तक कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे छींक आना वगैरह वगैरह, बुखार होना, तो अब इसमें ये बस एहतियात इतनी सी बरतने की ज़रूरत है कि आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, हाथ साबुन से धोना है, उसके बाद हैंकी रुमाल का इस्तेमाल करना है छींकते खांसते समय। जो आप एहतियात बरत सकते हैं वो आपको एहतियात बरतना है, इतनी सी बात है। और इसमें भय और दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है और र्यूमर पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो सरकार का काम है और जो डॉक्टर्स हैं उनका काम है और जो भी जिनका भी सैंपल परीक्षण के लिए लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोरोना वायरस है, इसका मतलब ये भी है कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रिपोर्ट आ सकती है और ज़्यादातर केसेज में निगेटिव रिपोर्ट आई है। निगेटिव रिपोर्ट का मतलब कि उनमें कोरोना का लक्षण नहीं मिले, वायरस नहीं मिला। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हाँ उसके कुछ लक्षण मिले हैं तो इसका इलाज होता है। बस कोरोना वायरस या दुनिया के किसी कोने में कोई भी SARS जैसे वायरस जब फैलते हैं तो एक ही दिक्कत होती है कि जब भी ऐसे वायरस का अटैक होता है तो एग्जैक्ट इसका कोई इलाज नहीं होता है, कोई टीका नहीं होता है। जब उसके लक्षण पता चलते हैं तब डॉक्टर और साइंटिस्ट जो है उसके रिसर्च करने में जुटते हैं कि इसका कैसे जो है टीका इजाद किया जाए, कैसे इससे लड़ा जाए, जो कि अभी तक कोरोना के मामले में एग्जैक्ट कोई टीका नहीं निकल पाया है और ना इजाद हो पाया है, इसीलिए इसे लड़ने में दिक्कत आ रही है। वुहान का क्या हाल है ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में सिमट चुकी है, कोई देश चाहे कि चाइना से हम अपना मतलब ना रखें, इटली से मतलब ना रखें या साउथ कोरिया से ना रखें, तो ये आज ग्रेट में संभव नहीं है। यानी सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका एक दूसरे से व्यापार है, तो एक तो आना जाना लगा ही रहेगा, माल का आयात निर्यात होगा ही होगा। अब चाइना की स्थिति यह है कि वहाँ से माल का भारत ने मंगाना बंद कर दिया है, तो यहाँ पर जो मेडिसिन है या जो मोबाइल्स हैं उनके कल पुर्जे वगैरह की कमी पड़ने लगी है, टीबी के जो कल पुर्जे हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं वो कम पड़ने लगे हैं, तो
ये अर्थव्यवस्था को भी अपने चपेट में ले रहा है, लेकिन अब जो बीमारी आ चुकी वो तो आ चुकी, उससे हिम्मत के साथ लड़ना होगा। जैसे ही इसमें और कोई अपडेट आएगा कि क्या हुआ, बच्चों में पॉजिटिव पाए गए, निगेटिव पाए गए या सिर्फ रूमर निकला, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।